फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे फिर से एक नए बैंकेट हॉल के बारे में। इससे पहले जो है मैंने आशीर्वाद बैंकेट हॉल के बारे में बताया था, अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जाके देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो में आप बने रहे। तो चलिए ये इस बैंकेट हॉल के बारे में आपको बताते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे कितने लोगों की गैदरिंग हो सकती है और क्या क्या फैसिलिटी है इस बैंकेट हॉल पे। फ्रेंड्स, हम लोग आज आ चुके हैं फिरायालाल बैंकेट हॉल। और ये जो है फिरायालाल बैंकेट हॉल का मेन एंट्री है वो स्कूल ग्राउंड पे है ना। अभी हम लोग स्कूल ग्राउंड पे, हम लोग वो भी देख लेते हैं कि कितना बड़ा पार्किंग एरिया है आपका। गैदरिंग जितनी भी गाड़ियाँ आए यहाँ पे किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होने वाला। और देखिए कि ये वाला जो ग्राउंड है ये है फिरायालाल बैंकेट हॉल का पार्किंग एरिया। काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा पार्किंग एरिया रांची में कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना, इतना बड़ा पार्किंग एरिया। और ये है फिरायालाल स्कूल, और इसी स्कूल का जो ग्राउंड है रात में यहाँ पे पार्किंग के लिए यूज हो जाता है। तो किसी भी तरह, और सामने देख सकते हैं कि ये है फिरायालाल बैंकेट हॉल, ये है फिरायालाल बैंकेट हॉल का फूड एरिया, जिसे ग्रीन लॉन एरिया भी आप बोल सकते हैं। देखिए कि ये चारों तरफ जो है खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ है और चारों तरफ जो है फूड काउंटर लगा हुआ है। इसमें आप वेज, नॉन वेज और हाई टी वगैरह को अलग अलग तरह से रख सकते हैं। साथ में आप देखिए कि सामने में है फिरायालाल बैंकेट हॉल का मेन बिल्डिंग। इस तरफ में कहीं भी आप अपना सेल्फी पॉइंट रख सकते हैं, और अगर जयमाला वगैरह करा रहे हैं तो आप यहां पे अपना स्टेज वगैरह भी बनवा सकते हैं। साथ में एक साइड में कहीं पर भी आप अपना मॉकटेल काउंटर वगैरह लगवा सकते हैं, जो कि लगने के बाद ये जो बैंकेट हॉल है कंप्लीट डेकोरेशन के बाद काफ़ी खूबसूरत लगता है, जो कि मेरा इंट्रो पे आप देख चुके हैं। सामने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काउंटर है इसमें मुरक्कन लैंप वगैरह लगा हुआ, साथ में इस तरह का लाइट वगैरह जो है लगा हुआ। पीछे बैकड्रॉप में भी काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ है फिरायालाल बैंकेट हॉल का। तो ये जो है आपका फूड काउंटर, कहीं भी आपको रांची के किसी भी बैंकेट हॉल में इस तरह का और इतना खूबसूरत फूड काउंटर आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ ये जो इतना खूबसूरत डेकोरेशन वाला फूड काउंटर आपको सिर्फ फिरायालाल बैंकेट हॉल पर ही मिलेगा। देखिए कि आज इवेंट होने वाला है और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन किया गया है। आप अगर इस तरह का डेकोरेशन चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हो, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कहीं भी आप अगर डेकोरेट कराना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए सामने है फिरायालाल बैंकेट हॉल का मेन बिल्डिंग, और अभी हम लोग चलेंगे इसके मेन हॉल पर और देखेंगे कि वहाँ क्या क्या फैसिलिटी है। फिरायालाल बैंकेट हॉल के मेन हॉल पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन हुआ है। जो ये भाई, क्या हुआ आपका नाम, क्या हुआ भैया? मेरा नाम शहबाज भाई। ये जो है कंप्लीट डेकोरेशन यहाँ पे करते हैं। ये है मंडप और यहाँ पे है मेन स्टेज, है ना, और सेल्फी पॉइंट साथ में साइड में रखा हुआ है, उसको बाहर निकालना है ना। और बाहर में जितना भी डेकोरेशन किया गया है वो सारा जो है शहबाज भाई किए हैं। देखिए फूड जेडी इवेंट ना, जेडी इवेंट है, और ये फूड काउंटर में जितना भी डेकोरेशन है वो शहबाज भाई ने ही करवाया है। तो काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन करवाते हैं शहबाज भाई। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डेकोरेशन करवा सकते हैं। इसके साथ में आप देख सकते हैं कि इस बैंकेट हॉल में काफ़ी खूबसूरत
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झूमर वगैरह लगा हुआ है, साथ में पूरा कंप्लीट एसी चारों तरफ दिया हुआ है, पंखा वगैरह दिया हुआ है, तो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। ऊपर में आप देख सकते हैं कि सीलिंग में लाइट वगैरह भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आप आराम से बुकिंग कर सकते हैं, और आपका 3,000, 4,000, 5,000 का भी गैदरिंग हो तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ का रूम्स वगैरह देख, हम लोगों ने हॉल देख लिया, और ये जो है वीआईपी लॉन्ज है ना, ये अभी खुला नहीं है ना, ये ओपन है, ओपन है, देख लेंगे, ओपन है, देखिए तो, अच्छा बंद कर दिया है ना यहाँ पे, अच्छा चाबी लेके आ रहा है, तो चाबी मिल गया और हम लोग चलेंगे ये वीआईपी लॉन्ज के अंदर में। और यहाँ पे एक बैकड्रॉप बना हुआ है, ये बैकड्रॉप आप ही लोग बनाए ना सभाज भाई, देखिए काफ़ी खूबसूरत सोफा वगैरह लगा हुआ है चारों तरफ में लाइट्स वगैरह का, तो काफ़ी खूब। पंखा वगैरह का जो डिज़ाइन है काफ़ी खूबसूरत है, और ये अटैच बाथरूम है ना, अटैच बाथरूम है, और जब मुस्लिम लगन वगैरह होता है तो यहीं पे दुल्हन को बैठाने के लिए ये जो जगह है यूज हो जाता है, हाँ अपने पसंद के हिसाब से। और कोई वीआईपी गेस्ट है तो वो यहाँ पे आके रुक सकते हैं और बैठ सकते हैं, और स्पेशल ट्रीट आप दे सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब रूम वगैरह देख लेते हैं, यहाँ का रूम जो है किस तरह का है। यहाँ पे चार रूम दिया जा रहा है, रूम हम लोग देख लेते हैं ना, हाँ एकदम वीआईपी रूम है, एसी वगैरह लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि लग रहा है बिल्कुल एलसीडी टाइप से। सोफा वगैरह देखिए, लाइट का जो डेकोरेशन हो अच्छा से मस्त लग रहा है, लाइट वाला डेकोरेशन ना, बड़ा सा कवर्ड है, और अटैच लेटरिन बाथरूम है, और वुडेन का जो है पूरा काम किया गया है। ये सोफा हो गया, और यहाँ पे एक मिरर दिया गया है, आप जैसे फ्रेश होते हैं तो, और अपना कुछ भी मेकअप वगैरह करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और साथ में और भी है ना कुछ, टोटल चार रूम है, चारों एक ही तरह का है या फिर अलग अलग, अलग ये दुल्हन का स्पेशल रूम है ना, अच्छा ये दुल्हन का स्पेशल रूम है, और इसमें आप देखिए कि भगवान जी का फोटो लगा हुआ है, और ये थोड़ा सा बड़ा है, और मिरर वगैरह भी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से, और दो मिरर लगा हुआ है ना यहाँ पे, अगर आप ब्यूटिशियन वगैरह अगर यहाँ पे मेकअप वगैरह कर देती है दुल्हन का, तो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं, चारों में अटैच है लेटरिन बाथरूम ना, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। आप देखिए ये बेड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल ये जो फिरायालाल बैंकेट हॉल है, हॉल जो है काफ़ी खूबसूरत, हाँ फॉरनर डिज़ाइन पे है ना। और ये वाला एक रूम है, रूम नंबर चार में, अभी वहाँ पे इवेंट चल रहा है, आज का जो इवेंट है, हाँ आज का जो इवेंट है उसके लिए गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। तो आप देख लिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाथरूम आप देख सकते हैं, कमोड वगैरह है लगा हुआ, तो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है इस बैंकेट हॉल पे, आसानी से आराम से इस बैंकेट हॉल पे आप बुकिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग फिरायालाल बैंकेट हॉल को अच्छे से देख लिए हैं, यहाँ पे जो है काफ़ी सफिशेंट एरिया है और काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। तो आप भी चाहते हैं यहाँ पे बुकिंग करना तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, साथ ही आप डायरेक्ट आके भी यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं इवेंट प्लानिंग करवाना या फिर किसी भी तरह कोई सर्विस जैसे टेंट लाइट डेकोरेशन या वेन्यू बुकिंग, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वेलकमिंग डांसर वगैरह चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो पे आप बने रहें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।